हाय, हमारा नाम मोहिनी है। वर्तमान में राशि राशि में रहता है। हमारे किले की मार्केट में स्टॉल चले हैं, जैसे मार स्टॉल हॉट है वैसे मिर्ची एफएम इज हॉट। हम एवरी टाइम मिर्ची एफएम सुनता है। हमारा नाम नदीम खान है और मिजला निवासी है। हम हरदम ऑनलाइन रेडियो मिर्ची एफएम सुनता है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मिर्ची एफएम इज द बेस्ट। हमार नाम रियाज अली है। हम नटो का टैक्सी ड्राइवर है। मिर्ची एफएम दागो मामा बोल चुलो। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार, फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। 2030 तक सभी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के पास ऐसा हेल्थ सिस्टम हो जाएगा जो क्लाइमेट चेंज से हो रहे बीमारियों से निपट सकेगा। ये कोप प्रेसिडेंसी के खास इनिशिएटिव का हिस्सा है जिसे लॉन्च किया गया है ताकि उन लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में रहते हैं। इस इनिशिएटिव का एम है इन देशों के लोगों को क्लाइमेट चेंज से हो रहे बीमारियों से बचाना। फीजियन प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल रात बोन जर्मनी में इस स्पेशल इनिशिएटिव को लॉन्च किया। फिजी में पहली बार 45 वर्षीय एक मां को अपनी बेटी का बलात्कार करने के लिए कसूरवार पाया गया है। हाईकोर्ट जज जस्टिस सलेसी तेमो दो असेसर्स के फैसले से सहमत हुए जिन्होंने भी महिला को बलात्कार और अश्लील हरकत के अभियोग के लिए महिला को कसूरवार पाया। हाईकोर्ट जज को 14 वर्षीय विक्टिम की गवाही सच लगी जिन्होंने कोर्ट को बताया था कि कैसे पिछले साल जनवरी से जुलाई के बीच उनकी मां ने उनके साथ बलात्कार किया और उसके साथ अश्लील हरकत की थी। प्रोसिक्यूशन ने अपने सेंटेंसिंग सबमिशन में मांग की है कि महिला को 13 सालों की जेल की सजा हो जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग की है। महिला को कल सजा सुनाई जाएगी। इस साल डेंगू फीवर के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2600 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। नेशनल एडवाइजर फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस आलिशा खान का कहना है कि वर्तमान बारिश के मौसम के कारण इस मॉस्किटो बोर्न डिजीज में वृद्धि हो सकती है। मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल के मिलान में इस साल डेंगू के केसेस में वृद्धि हुई है तथा वे फीजियंस को सुरक्षित रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही हैं। मिनिस्ट्री का कहना है कि मस्कीटो बोन डिजीजेस में डेंगू फीवर चिकनगुनिया और मलेरिया शामिल है जिससे लोगों की मौत भी हो सकती है। और खेलकूद की खबर में किवीज वोडाफोन फिजीबाती टीम को गंभीरता से लेंगे जब दोनों टीमों की मुलाकात क्वार्टर फाइनल में होगी। कीवी कोच डेविड किडवेल ने बातीस के आखिरी पुल मैच को अच्छी तरह मॉनिटर किया है तथा उन्हें पता है कि टीम उनके लिए काफी कठिन रहेगी। तोंगा से 28-22 से हारने के बाद कीवी टीम फिजीबाती टीम से काफी चौकन्ना रहेगी। दोनों टीमों के बीच खेल शनिवार को 7:20 PM पर होगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम भी सुन सकते हैं। शुभरात्रि। हम लेबरोका में रहती हूँ और मेरे नाम श्री कुमारी है और हम रेडियो फिजी 2 का आवाज़ सुनते रहती है। सुबह शाम हर रोज हम सुनते रहती है। बैंक जिलों का आवाज़ हमें सुनने में बहुत सुंदर लगता है। नमस्कार, हमारा नाम नरेश है, दौलत चीला खेली के रहता है। रेडियो फिजी दर के हरदम सुनता है। अच्छा अच्छा प्रोग्राम रहे हुए। मैं हूँ नलेशनी लटोका सिटी से। मुझे रेडियो फिजी 2 बहुत पसंद है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।